अर्चना गौतम की एक वीडियो है जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आखिर किसके साथ अर्चना गौतम ये मस्ती करती हुई दिखाई दे रही है, या फिर किसके साथ उनको इस लेवल का मीडिया अटेंशन या फिर कंफर्ट जोन मिल रहा है, और किसके साथ में वो ये सारी बातें गॉसिप्स और समझ लो कि भाई चुलबुले मस्तियां कर रही हैं, आखिर किसके साथ में और क्या है वजह, आपको बता दें कि ये कोई बिग बॉस कंटेस्टेंट की फैमिली में से एक है। तो कौन है ये बिग बॉस के फैमिली का कंटेस्टेंट, मतलब फैमिली कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर्स में से एक, और किसके साथ श्रीजिता की बॉन्डिंग भाई इतनी तगड़ी जम रही है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अर्चना गौतम ने जिस तरीके से भाई बिग बॉस खत्म होने के बाद जो नाम जो लेवल इन्होंने अचीव किया है उस चीज़ पर तो भाई तालियां बनती हैं, क्योंकि मानना पड़ेगा यार एक एक ऐसे मतलब मेरिट से आना, भले उन्होंने उसके पहले ऑडिशंस दिए हैं, मूवीज़ में काम वगैरह किया है, लेकिन एक 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 समय ऐसा जब वो अभी बीच में बता रही थी कि जब कोविड आया, जब लॉकडाउन आया, तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं खुद का रेंट भर सकूं, और उस बीच मैं सुसाइड करने जा रही थी। मैं मेरी बिल्डिंग के नीचे मेरे बालकनी से नीचे देख रही थी, मैं जैसे कूदने जा रही थी ना, वैसे मेरे मन में ख्याल आया कि यार मम्मी मेरी देख रही है, और मैं नहीं कूदी, लेकिन मेरे मन में ना ये चीज़ें चल रही थी कि यार कैसे हो पाएगा, कैसे सब कुछ हो पाएगा। और उस बीच माता रानी ने मेरी सुनी और मेरे को बिग बॉस मिल गया, और बिग बॉस में आने के बाद तो भाई जो है वो इतिहास और आपके सामने। अर्चना बिग बॉस के घर में आई और लिटरली लाइक अ क्वीन बिग बॉस का घर उन्होंने ओ किया, पूरा का पूरा ओन किया भाई। और आपको बता दूं कि उनको कुछ चीज़ों के लिए ट्रोल भी किया गया कि यार आपने आखिर ये चीज़ कैसे कर दी, आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो, ये आप ऐसा कैसा सोच सकते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को अर्चना गौतम ने एक बड़ा फुल स्टॉप लगाया अपने हिसाब से। और जिस तरीके से इन बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनका जवाब था वो बहुत काबिल तारीफ था, लोगों ने उनको पसंद किया बिग बॉस के घर में, और उनका बॉन्ड एक बॉन्ड जो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, ये बॉन्ड है अर्चना गौतम और श्रीजिता डे की मम्मी का। श्रीजिता डे खुद बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी जिनको बहुत पसंद किया जा रहा था, ये आप देख सकते हो, ये जो बॉन्ड है ये लोगों को बहुत पसंद किया जा रहा है। श्रीजिता डे की जो मतलब जिस तरीके से ये हो रहा है, जिस तरीके से वो बॉन्ड कर रहे हैं श्रीजिता डे की मम्मी के साथ में, ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और उस पर जनता का क्या रिप्लाई है, क्या रिएक्शन है, को लिख रहा है लव यू अर्चना गौतम, फिर को लिख रहा है कि अर्चना गौतम एंड श्रीजिता डे आर टू बेस्ट फ्रेंड्स हु मैटर्स, फिर को लग रहा है कि अर्चना गौतम इज द क्वीन, भाई लिटरली शी इज़ ओइंग एवरीथिंग जिधर भी जा रही है। फिर को लग रहा है कि भाई अर्चना गौतम मान गए यार, मतलब क्या तुम क्या हो, जो तुम कर सकती हो कोई नहीं कर सकता। फिर को लग रहा है कि गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो अर्चना को भी, हाल ही में उनको एक अवार्ड भी मिला है। हाँ, और ये बात सही भी है, एक अवार्ड उनको मिला है बेस्ट एंटरटेनर का अस्पायरिंग अवार्ड्स में, अस्पायरिंग शी अवार्ड्स में 2023 में। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।